जनता के मुद्दे हैं जो जिम्मेदार इस वक्त हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं, उनके बारे में हम चर्चा करें, संवाद करें, जनता के भी हम प्रश्न जरूर लेंगे, और विपक्ष किस तरह से तीखा प्रहार करता है, विपक्ष किन मुद्दों के साथ तैयारी कर रहा है अगले बार में सत्ता वापसी की, उन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। तो आइए एक बार जोरदार तालियों के साथ शुरुआत करते हैं इस नए सत्र की। प्रद्युमन जी, स्वागत है आईबीसी 24 के जनसंवाद में। ऊर्जा मंत्री हैं आप, और हमेशा आप अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं, जनता से जुड़ा हुआ मंत्री आपको कहा जाता है। हमने देखा है कि किसी के घर में अगर बिजली की दिक्कत है तो आप वहां पर पहुंच जाते हैं उनका साथ देने के लिए, रोड अच्छी नहीं है तो आप चप्पल आपने उतार दी, और जब सिंधिया जी ने आपको कहा तब ही आपने वो किया। तो किस तरह से ये एक अलग ही अनोखी जनसेवा हम देख रहे हैं, तो क्या ये वाकई जनसेवा है, क्योंकि कांग्रेस आरोप लगाती कि सुर्खियों में बने रहने के लिए आप करते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जनता जनार्दन ने इस सेवक को अपनी सेवा करने का अवसर दिया है। ये उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है। मेरे से भी कई अच्छे उम्मीदवार हैं, मुझसे योग्य हैं, पैसे वाले हैं, सुंदर हैं, पर उन्होंने मुझे क्यों चुना? तो इसका कारण सिर्फ मैंने जो समझा है कि आप ईमानदारी से अपना कर्तव्य, और मैं एक जनसेवक हूं तो सेवक, जनसेवक होने के नाते कितनी मजबूत तरीके से मैं अपने लोगों की सेवा कर, और वही कारण है कि मुझे लगता है कि जब अपने लोग, अपने परिवार के लोग जब किसी परेशानी में होते हैं, आप ये बताओगे अगर अपने आपके घर पे कभी कभार देखा हो कि बाई नहीं आती है तो घर की सफाई कौन करता है? फिर क्या हम इंतजार करते हैं कि बाई आए? खुद ही को करना पड़ता है, खुद ही करते हैं। तो अगर घर हमारा है, परिवार हमारा है, अगर हम उस घर को, परिवार को अपना समझते हैं तो हमारे कर्तव्य क्या होते हैं? क्या उन कर्तव्यों का निर्वहन हमें नहीं करना चाहिए? मैं मंत्री होने के साथ साथ इंसान भी हूं, किसी का बेटा भी हूं, किसी का भाई भी हूं, तो ये मेरा कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का मैं ईमानदारी से निर्वहन करता हूं। अब ये विपक्ष का सोच है, विपक्ष की मानसिकता है कि उसे किस तरीके से प्रस्तुति, उनके जैसी जिस भावना से भगवान की मूर्ति देखो, और कुछ लोग देखें तो हनुमान जी की मूर्ति में बताएंगे ये टेढ़ापन है कहीं कुछ है, वो तो देखने का तरीका क्या है, ये उसका खुद का कितना सकारात्मक सोच से देखोगे तो भगवान के रूप में भगवान दिखते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि विपक्ष अपना काम करता है और सत्ता अपना करती है, हम एक जनसेवक हैं, और सेवक होने के नाते मजबूती से सेवा करना हमारा कर्तव्य है, वो हम ईमानदारी से करेंगे। और सर, मैं अपना अगर पर्सनली बताऊं तो मुझे तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि दूसरे नेताओं को हम देखते नहीं हैं कि वो ऐसे जमीन पर उतर के कार्य कर रहे होते हैं। लाखन जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। अभी हाल ही में आपका एक बयान बहुत सुर्खियों में था, अब तो खैर सियासी चुनावी साल है ये, तो अब बयान इस तरह के आता है, लेकिन सियासी पारा आपने जरूर ग्वालियर चंबल में बढ़ा दिया था बयान, कि वीडी शर्मा और सीएम शिवराज भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे मुकाबले वो किसे उतारे सियासी मैदान में। तो मतलब आप इतने आश्वस्त हैं कि कांग्रेस इस बार आप ही को टिकट देगी, और इतने आप पूरे पक्का है आपको कि आप किसी को भी हरा देंगे, किसी को भी टिकट दें आपके सामने? सबसे पहले तो मैं आईवीसी 24 को अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं कि जब से मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट गई और ये प्रद्युमन जब से हमको छोड़ के भागा तब से आज पहली बार पकड़ में आया, तो आपको बधाई, हम दोनों को साथ साथ बिठा दिए। सर बिल्कुल, बेहद खास पल है ये कि जो कभी पहले एक ही पार्टी में हुआ करते थे, अब अलग अलग पार्टी में, अब एक दूसरे के, लेकिन मित्रता हमारी अभी भी जारी है, उसमें कोई दो नहीं। मैं, आपने अभी मुझे कहा कि मैंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी भितरवार के लिए अभी कोई कैंडिडेट तय नहीं कर पाई। ये अमूमन ऐसी बात होती है, मेरे यहाँ 15-16 कैंडिडेट अभी प्रचार में, सारे लोगों ने वॉल पेंटिंग कर रखी है। वाई दबे, मैं, मुझे अगर कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया तो मेरे लिए तो वॉल पेंटिंग करने के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। कई पत्रकार मुझसे पूछते थे कि भाई आप भी वॉल पेंटिंग करा दो संभावित प्रत्याशी में, तो मैंने कहा मैंने तो पहले भी कभी नहीं कराई जब तक कैंडिडेट ने घोषित नहीं होता था। तो ये अमूमन बात जब चलती रहती है, तो मैंने उस
तारतम्य ये चीज कही थी कि मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी को बड़े शीर्ष नेतृत्व को, चाहे शिवराज सिंह जी हो चाहे वीडी शर्मा जी हो, उन्हें भी नहीं मालूम कि भितरवार में भी कैंडिडेट कौन होगा। और मैं ये बात इसलिए भी पुख्ता कर रहा हूं कि जो 12-14 कैंडिडेट हैं जो अभी मेरे क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं बड़ा रात दिन धुआंधार, और जब वो कभी मुझे क्षेत्र में मिल जाते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ, भाई तुम लोग कौन कौन लोग हो? एक हमारे पाराशर जी यहीं बैठे थे, अभी पता नहीं चले गए कहाँ हैं, लोकेंद्र भाई हमारे गांव के, ये मेरे पड़ोसी हैं। मैंने अभी उनसे पूछा, मैंने कहा क्या चल रहा है भाई, तो उन्होंने बताया अपन अलग से बैठ के बात करें, तो वो कुछ बता नहीं पाए मुझे। मैं ये कह रहा हूँ, जितने भी प्रत्याशियों से जब मैं चर्चा करता हूँ तो हर व्यक्ति यही कहता है कि भाई साहब टिकट तो मेरा ही पक्का है, और मैं लड़ा तो ही आप हारोगे, वरना तो बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मैं ये बात मैंने कह दी थी, मेरा ऐसा कुछ नहीं। और ये भी मुझे कोई गलत फहमी नहीं है कि चुनाव में मैं ही जीतूं, ये लोकतंत्र है। सर इस बार यानी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से आपकी टिकट पक्की है? नहीं नहीं नहीं, ये मैंने नहीं कहा। हाँ। ये मैंने नहीं कहा, मैंने कहा ना वाई द वे कांग्रेस ने मुझे अगर कैंडिडेट बनाया, तब की बात कर रहा हूँ। और ये भी बात सही है कि मैं कभी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहता हूँ। मैंने 7 चुनाव लड़े हैं, 3 चुनाव में हारा हूँ। 3 चुनाव में तो जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, हॉस्टल में रहता था, तभी लड़ लिया था। 3 हारा हूँ, 4 जीता हूँ। तो मैं कभी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहता। बड़े बड़े धुरंधर जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी वो चुनाव हार गए। इंदिरा जी राजनारायण जी से हार गई थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अभी KP से हार गए थे। तो इसलिए मैं गलत फहमी में नहीं हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। और मैं 5 साल लगातार चुनाव लड़ता हूँ, मैं 15 दिन का चुनाव नहीं लड़ता। ये इलेक्शन 2023 का खत्म होगा, मेरा इलेक्शन फिर शुरू हो जाएगा। मैं लगातार 5 साल चुनाव लड़ता हूँ, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन में लगता है कि ठीक ठाक पोजिशन हो, लेकिन फिर भी मैं कभी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहा। और सर जो सियासी जो एनालिटिकल लोग जो रहते हैं वो यही कहते हैं कि इधर आ जाओ भाई साहब, हाँ इधर आ जाओ ना, अभी अपनी पूरी बात ही नहीं हो पाई। चलिए सर, जनसंवाद के बाद जरूर आप चर्चा अपनी बढ़ाएगी और शायद तब पत्ते खुले कि बीजेपी की तरफ से। मेरे बड़े भाई हैं मेरे गांव के, हम दोनों एक ही गांव के हैं, बगल बगल। सर यही कहा जाता है कि लाखन जी का तिलिस्म तोड़ना छोटी मोटी बात नहीं है, जब भी एनालिटिकल बात जब की जाती है, जो पॉलिटिकल जो अच्छे से देख रहे समझ रहे होते हैं। प्रद्युमन जी, किस तरह की आपकी तैयारी? पहले आप कांग्रेस में थे, साथी थे, आप भी अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से लाखन जी काम करते हैं, तो किस तरह से तिलिस्म तोड़ने की तैयारी कर रखी है बीजेपी ने? देखिए, हर व्यक्ति का अपना काम करने का तरीका होता है। ये मैं कहना चाहता हूं कि हमारा एक विश्वास, हमारा कॉन्फिडेंस जनता के बीच, जनता की जो सेवा की है, और सेवा के साथ साथ ये ग्वालियर बदल रहा है, और बदलते हुए ग्वालियर में आम जन का सहयोग है। आप देखिए कि अभी आप जाओ महाराज प्रापत एयरपोर्ट देखो, कब इसका भूमि पूजन हुआ और कितनी तेजी के साथ काम चल रहा है। सिर्फ भूमि पूजन ही नहीं हुआ है, कितनी तेजी के साथ काम चल रहा है। आप देखिए कि स्वर्ण रेखा नाले के ऊपर एलिवेटेड रोड का भूमि पूजन ही नहीं किया हमारे नेतृत्व ने, 6 जगह एलिवेटेड रोड का काम चल रहा है। आप ये देखिए कि अभी कुछ दिनों के अंदर रेलवे स्टेशन का विकास, चौमुखी विकास 450 करोड़ की लागत से होने जा रहा है। आप हर वर्ग को देखिए कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने लाडली लक्ष्मी योजना चालू की। जब भी कुछ लोगों ने टिक्का टिप्पणी की थी ये लाडली लक्ष्मी योजना चलेगी कि नहीं चलेगी, पर आज लगभग 47 लाख लाडली लक्ष्मी को उस योजना का लाभ मिल रहा है। और महिला सशक्तिकरण के लिए अभी वर्तमान में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना स्कीम लागू की है। इसमें अभी 80 लाख से अधिक फार्म भरे जा चुके हैं,
और 10 जून को उन लाडली बहनाओं के खाते में 1,000 रुपये प्रतिमाह आ जाएगा। तो आप ये देखिए मां शक्ति का उत्थान। अभी हमारी उद्यमी कौशल योजना, युवाओं के लिए मुख्यमंत्री कौशल योजना, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री लाने वाले हैं कि युवाओं को हम किस तरीके से, उन्होंने कहा हम बैठ करके, उनका कहना है सीखो और कमाओ, सीखो और कमाओ। उनको सीखने के लिए उन लोगों को 8,000 रुपये महीना देने की कार्य योजना बन रही है। तो बहनों की बात करी, युवाओं की बात करी, जो हमारे माँ जो विधवा या निशाय या गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली हैं, उनको अभी पेंशन 600 रुपये मिलती है। अब आप देखिएगा 10 जून को उनको 1,000 रुपये मिलने लगेगी। हर वर्ग का ध्यान रख रहे हैं। हर ये मैं ग्वालियर को बदलते हुए ग्वालियर की बात आपसे कर रहा हूँ। वायुयान की सेवा का मैंने कहा ठीक हो रही है, रेलवे की बात करी, स्टेशन बदल रहा है, वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज भी होगा और आवागमन बढ़ रहा है। और हमारा आगरा से और ग्वालियर तक 6 लाइन रोड हो रहा है। तो यहाँ पे जो कार्य योजना है बदलते हुए ग्वालियर में, कि जब ये तीनों यातायात व्यवस्थाएं, वायुयान, रेल और सड़क यातायात व्यवस्था जब ठीक हो जाएंगी, तो उद्योगपति कहाँ जाएगा? राजधानी से लगा हुआ शहर कौन सा है? ग्वालियर। और ये ग्वालियर में उद्योग भी लगेंगे आने वाले दिनों में, इससे हमारे ग्वालियर का नौजवान कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा रोजगार के लिए, वो ग्वालियर में उसको रोजगार मिलेगा। यह है हमारी सरकार जो ग्वालियर को बदल रही है, बदलते हुए ग्वालियर में सबका योगदान। लाखन जी से पूछ रही थी, लाखन जी बदलते हुए ग्वालियर की तस्वीर ये बता रहे हैं, और भीतरवार से आप हर बार जीतते आए हैं चुनाव, ग्वालियर को भी आप अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, परखा है आपने, तो क्या बदलते हुए ग्वालियर की तस्वीर आप भी इसी तरह देख रहे हैं? क्या कमियां आपको महसूस होती हैं? रद्वन जी ने अपनी पार्टी के इतने लंबे कसीदे पढ़ दिए, मैं ऐसा मान के चलता हूँ 18 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, उमा जी भी रहे, गौर साहब भी रहे, 14 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार आई मात्र, वो भी इन दुष्टों की वजह से चली गई। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो लाडली बहना की जो अभी बात की है, इस समय पूरे मध्य प्रदेश में बड़ा जोरों पर प्रचार प्रसार इसका हो रहा है। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है, क्या ये 18 साल पहले हमारे मध्य प्रदेश में लाडली बहना नहीं थी? ये सारे के सारे जितने भी स्टैंड हैं, ये प्रद्वन जी अभी गिना रहे थे कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये 18 साल से ये लोग क्या कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी? मैं तो ऐसा मान के चलता हूँ, और हम तो अपने लोगों में ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस आइडियोलॉजी, जिस पैटर्न पे चुनाव लड़ती है, हमने वाई इलेक्शन में देखा, इनके चुनाव में ही देखा, हमने पहले भी हम देखते रहे लेकिन वाई इलेक्शन में कुछ ज्यादा बढ़ चढ़ के हमने देखा, जिस पैटर्न पे चुनाव लड़ती है ये भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन के 2023 के अभी 6 महीने बाकी है। अमूमन 6 महीने पहले ये इनडायरेक्टली जनता को घूस देने का काम कर रहे हैं, चूंकि उस समय देने में जरा कठिनाई होगी, तो शुरुआती दौर इन्होंने कर दिया है। हमने अपने प्रदेश के लोगों को, अपने लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को ये हमने समझाने की कोशिश की है, हम समझा रहे हैं कि ये इनडायरेक्ट घूस है, और आप ये अगर घूस दे रहे हैं तो ले लो। मैं जब चुनाव लड़ता हूँ, मेरे साथ बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ते हैं, हमारे बड़े भाई अनूप जी मेरे साथ 2 बार लड़े, भारी पैसे वाले, मेरे में उनमें जमीन आसमान का फर्क है। जब वो चुनाव लड़ते हैं तो वो 100 रुपये खर्च करते हैं, तो मैं मात्र 10 रुपये खर्च करता हूँ। ये मेरा हिस्ट्री है, मैं अभी तक जो चुनाव लड़ा हूँ, मैं 7 चुनाव लड़ा हूँ। अभी क्या है कि मैं अपने लोगों के बीच में बहुत साफ शब्दों में कह देता हूँ, अनूप जी 2 बार मेरे यहाँ चुनाव लड़ने आए, मैंने कहा, चूंकि उनको नीचे का धरातल का ज्ञान नहीं था, वो स्काई लैब वाले लीडर है, मतलब वो जब लड़ने आए तो उन्होंने मेरे क्षेत्र का सरपंच, उन्होंने बोला, मैं ये प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ, उन्होंने कहा यार तेरी पंचायत कैसे जीतेंगे, तेरी पोलिंग कैसे जीतेंगे? उन्होंने कहा भाई साहब मेरा इतना ट्रैवल है, इतना एसी है, इतना पैसा लगेगा, इतना दारू लगेगी,
तो बोले जे पकड़ तू 25,000। वो व्यक्ति ले गया 25,000। ये मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि ये इनका जो चल रहा है ना आजकल, ये 25,000 ले गया। दूसरा व्यक्ति पहुंचा, उसने कहा रे भाई साहब गलत व्यक्ति को दे दी, वो तो लाखन सिंह का आदमी है। तो उन्होंने कहा तू चुप रह, तू भी पकड़। पंडित जी आपको बता रहा हूँ, आपको सब ज्ञान है जी, ये तू भी पकड़। उन्हें एक्चुअली ये पता ही नहीं था कि ये किसका वर्कर है किसका नहीं है। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी जो पूरे प्रदेश में जो तांडव मचाए है, इस तरह के प्रलोभन दे रही है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश का तमाम सारा आवाम ये जान गया है भारतीय जनता पार्टी की सारी नीतियों को परख गया है। और मुझे लगता है 2023 में इसके परिणाम जरूर देगा, क्योंकि वो भुगत रहे हैं 18 साल से। देखिए प्रद्युम्न जी व्यंग भी कस रहे हैं, दुष्ट भी कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि धन बल ये इसलिए कुछ... इसलिए मैंने कहा कि जब जा रहा था तो मैंने मना किया तू ऐसा मत करे भाई। अरे बोले चिंता मत करो मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो लौट जाऊंगा। फिर लौटा नहीं, आज मिला है। सर सर लौटने का कोई इरादा है, लाखन जी पूछ रहे हैं। देखिए मैं बहन जी आपको एक बात बहुत अच्छी कहना चाहता हूँ। हमारे सम्मानी आदरणी का जो सोच है, हिंदुस्तान की जनता और मध्य प्रदेश की जनता यहाँ खरीद फरोख्त नहीं होती है, यहाँ के लोग बड़े सम्मानीय हैं। वो अपना सम्मान, अभी इन्होंने कहा लाडली लक्ष्मी योजना जब लॉन्च की गई थी तब भी हमारे सामने वाले मित्रों ने ऐसी टिप्पण टिप्पणी की थी, और आज देखिए कि वो महिला सशक्तिकरण में हमारा जो लिंगानुपात है उसमें महिलाओं की बिटियाओं की संख्या कितनी हुई है, जरा सुधार कितना कि... अब मेरी बात जी जी, जी अच्छा ठीक है जी, कितना सुधार हुआ है लाडली लक्ष्मी योजना लागू करने के बाद। हमारे भीमराव अंबेडकर डॉक्टर साहब की मंशा है कि हर वर्ग को संविधान में अधिकार है, महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए क्या? मेरे मित्र अगर सामने वाले चाहते हैं कि नहीं होना चाहिए तो उसको बोलें हमारी महिला बिकेगी नहीं। उनको सशक्त करने के लिए उनके घर में उनके अब सुनिए 18 साल, मैं आपको यह बात उसका जवाब दे रहा हूँ, अभी 18 साल का वो भी जवाब दूंगा, शांति से हम सुनेंगे कि उनको सशक्त करने के पहले लाडली लक्ष्मी योजना लागू की, आज 47 लाख लोगों को लाभ मिल रहा है। सर लेकिन वो तो घूसखोरी का आरोप लगा रहे हैं ना कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, विधायकों को खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है। अब मुझे जवाब तो देने देंगे जी जी जी। तो क्या लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहना, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 500 रुपए का सिलेंडर राजस्थान में किया, क्या वो घूसखोरी है? क्या क्या है? राजस्थान भी वहां जनता है, उसकी सब्सिडी कौन देगा? क्या रेट कम हो गई है? वो भी हमारे तमाम टैक्सों से जो पैसा होगा सब्सिडी सरकार देगी, राजस्थान की गुजरात में देगी। उन जगहों पे जो योजना लागू की है क्या वो वहां की जनता को घूसखोरी दे रहे हैं क्या? ये स्पष्ट करें। नंबर एक मैं बिल्कुल अभी बोलूंगा, मैं आप भी बोलेंगे। दूसरा मैं ये कह रहा हूं आपसे कि हमारी योजना है हर वर्ग को सशक्तिकरण का। उन्होंने कहा 18 साल में क्या किया, मैं बिल्कुल उसका जवाब उनको बताना चाहता हूँ। यहाँ सारे ईमानदारी से लोग बैठे हुए हैं, और अभी ये टेलीविजन चल रहा है, शायद 2002 और 3 में टेलीविजन कब बंद हो जाएगा ये भरोसा नहीं था, कब ये लाइट चली जाएगी, कब डिब्बी में लोग पढ़ते थे, अंधेरा होता था। आप बात तो सुन लीजिए जी जी, 2002 और 3 से 18 साल में क्या बदला है वो आप समझ लीजिएगा। आज मध्य प्रदेश में 24 घंटे बिजली मिल रही है। आप दिल्ली आप पहले कितनी देर में पहुंचते थे, आप इंदौर कितनी देर में पहुंचते थे भाई रोड, भोपाल कितनी देर में पहुंचते थे, आज देखिए कितनी देर में पहुंच रहे हैं आप। रोडों की स्थिति क्या हुई है, ये रोडों में स्थिति क्या हुई है रोडों की, ये आपके सामने है, आपके सामने आपके कानून व्यवस्था की स्थिति में कितना सुधार हुआ है, ये सारे उदाहरण आपके सामने है। आज मध्य प्रदेश में लोग ये कहते थे कर्मचारियों से, भाई हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम कर्मचारियों के सम्मान के लिए आज देखिए युवाओं को रोजगार के लिए मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर निकले हैं। ये ग्वालियर बदल रहा है, ये मध्य प्रदेश बदल रहा है, ये देश बदल रहा है। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ ये आदरणीय का सोच है,
अब सोच सर, लेकिन वो उन्हें मालूम है, लोग ये कहते थे जब तक रहेंगे दिग्गी तब तक डिब्बी जलेगी। सर लेकिन हमने वो भी देखा कि जब चंबल के जरिए ही, ग्वालियर चंबल के नेताओं के जरिए ही सत्ता बदल दिया गया, भले अब ग्वालियर बदल रहा है, उसके ऊपर लाखन जी पूछ रहे थे कि विधायक बिक गए और उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, हमेशा इस तरह के आरोप लगते रहे, तो ऐसी क्या दिक्कत हो रही थी कांग्रेस में कि आप बीजेपी आए, फिर उसके बाद बीजेपी से आपने चुनाव लड़ा, आईबीसी 24 का आज ये मंच है, अभी इस वक्त आपको लाखों दर्शक सुन रहे, तो बता दीजिए क्या दिक्कत थी वहां पर और क्या वो दिक्कत दूर हो गई है बीजेपी के साथ? ये बात आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हम जनता के सेवक हैं, जनता ने हमें चुना था, किसके लिए चुना था? जनसेवा के लिए। जनसेवा के लिए। आज देखिए कि ग्वालियर का हॉस्पिटल अच्छा हो, तो मैं जिस जगह से विधायक हूं उस विधानसभा में आज आप जाइए, मैं ये नहीं कह रहा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप 10 साल के आंकड़े निकालिएगा और 2003 के आंकड़े निकालिएगा कि 2002 और 3 में उस सिविल हॉस्पिटल ग्वालियर में कितनी मरीज दिखाने जाते थे। 2003 और 2003 में वहां पे ज्यादा 25 मरीज जाते थे, आज उस सिविल हॉस्पिटल में 1000 मरीज जा रहे हैं। आज वो पटेल हायर सेकेंडरी स्कूल, सर तो क्या कांग्रेस में रहते तो क्या ये सब चीजें नहीं हो पाती? बात अब प्लीज आप सुन लीजिए, अब आप सुन, 1000 वो पटेल हायर सेकेंडरी स्कूल में जब टीन सेड में बच्चे एडमिशन नहीं लेते थे, आज देखिए पटेल स्कूल में एडमिशन लेने के लिए कतार लगी है, सरकारी स्कूल है। तो ये परिवर्तन के लिए ही हमें जनता ने चुना था और उसी परिवर्तन के लिए ये सामने वाले मित्र मेरे बैठे हुए हैं सामने, उनकी मजबूरी है, मैं ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मजबूरी है कि वो नहीं बोल पाएंगे। उस समय ये हालात थी कि ग्वालियर और चंबल अंचल को विकास के नाम पे 1 रुपया नहीं मिलता था, सारा का सारा पैसा छिंदवाड़ा में ट्रांसफर किया जा रहा था। सर क्या जिसका विरोध करने का साहस हमने किया हमेशा, और हम जिन वायदों को लेकर के चुने, जिस ग्वालियर चंबल संभाग ने सरकार बनाने में बड़ी अहम भूमिका निभाई, जब लगा हमारी बात नहीं सुनी जा रही तो हमने दल बदल नहीं किया, हम कोई दल बदल करके विधायक, हमने अपने आप को कुर्बानी की कि हमने सत्ता के इस मंत्री पद छोड़ा और मंत्री के साथ साथ विधायक ही छोड़ करके चुनाव लड़ा है, हमको जनता ने चुनाव जिताया है, हम ऐसे नहीं गए हैं, हमको जनता ने द्वारा उन्होंने कहा कि आप ठीक चुनाव पे लड़े हो, आपका मुद्दा सही था और जनता ने हमको चुना है। ठीक है लाखन जी, देखिए यही बार बार आरोप लगते आए हैं कि छिंदवाड़ा में जैसे ये बोल रहे हैं पूरे पैसे ट्रांसफर हो रहे, तो ये भी बात कह रहे हैं कि कुछ मजबूरी है कि आप बोल नहीं पाएंगे, तो लेकिन मुझे लगता है कि जनसंवाद में आपको सुन रहे हैं, जो भी मजबूरी है उससे आज पर्दा भी उठ जाएगा, कुछ मजबूरी थी क्या? मेरी मजबूरी है कांग्रेस की मजबूरी थी कि पैसा ग्वालियर चंबल में नहीं आता था, 1 रुपया नहीं दिया जो अपेक्षित था ग्वालियर चंबल। मुझे नहीं लगता है प्रद्युम्न भाई, मैं तो बड़ा आश्चर्य करता हूँ जब मैं इनकी बातें सुनता हूँ। दिग्विजय सिंह के शासनकाल की आप बातें कर रहे थे, यार तुम इतने मत बदलो, इतने काहे को बदल गए, ठीक है फायदा लेते रहो, सरकार में बने रहो, अच्छी बात है, लेकिन सामने वाले की इतनी बुराई तो मत करो। ये तो चलता रहता है, पार्टियां आती हैं जाती हैं, लेकिन आदमी के कुछ उसूल और सिद्धांत होना चाहिए। प्रद्युम्न भाई मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि सारा पैसा छिंदवाड़ा जाता था, महाराज के देखो मैं कोई आलोचना नहीं करना चाहता, महाराज सिंधिया जी का जो कांग्रेस में जो कद था ये उन्हीं के मिनिस्टर थे। लाखन जी माफी चाहूंगी, बस गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी आ गए हैं, एक बार उनका स्वागत कर दे जोरदार तालियों के साथ। मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी इस वक्त आईबीसी 24 के जनसंवाद में शामिल हो रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी मौजूद हैं और जो अगला सेशन है उसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम जरूर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। तो चलिए एक बार फिर से हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं, गृह मंत्री जी भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम जनसंवाद के जरिए चर्चा करेंगे कि किन मुद्दों के साथ अब मध्य प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है और किस तरह की रणनीति है। चलिए लाखन जी, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी भी अब मौजूद हैं, कहिए आप क्या बात कर रहे थे। भाई हैं, बिल्कुल बड़े चतुर खिलाड़ी हैं, लंबे खिलाड़ी हैं और
इन्हीं के क्षेत्र से मैं विधायक बन गया हूँ, इनके आशीर्वाद से जी बनाते रहते हैं मुझे, है ना। तो मैं वही कह रहा था प्रद्युम्न भाई से कि ठीक है पार्टियां तो चलती रहती हैं, लेकिन थोड़ा उसूल और सिद्धांत में ये बात कह रहा था सिंधिया जी वाली। सिंधिया जी का कांग्रेस में अपना एक कद था, उन्हीं के मिनिस्टर तेजे 7-8 जो मिनिस्टर बने थे, अब ये कह रहे हैं कि हमको पैसा नहीं मिलता, सारा पैसा छिंदवाड़ा चला जाता था। ये बात जरा मेरे ये गले नहीं उतरती, यदि छिंदवाड़ा पैसा चला जाता तो फिर आप काय के लिए मिनिस्ट्री कर रहे थे, और शायद आप इसीलिए चले गए थे कि छिंदवाड़ा में पैसा चला जाता था, ये आपने स्पष्ट ही नहीं कर पाया। हकीकत तो कुछ और थी, ये यहाँ सारे लोग बैठे हैं वो जानते हैं ये क्यों चले गए थे, पर मैं उन बातों पे नहीं जाना चाहता। क्या हकीकत ही, देखिए मैं जानना चाहता हूँ हमारे भाई को ठीक नहीं लगेगा, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ प्रद्युम्न भाई जहां भी रहो, मैं आपसे इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, समूचे प्रदेश में इस समय हाहाकार मचा हुआ है, आप जिस विभाग के मंत्री हैं, मेरे गांव में मेरे क्षेत्र में सब जगह ट्रांसफर उठा लिए जाते हैं, आप लोग उठवा रहे हैं, रख ले अभी उसको रुक जाते हैं, सुन ले मेरी बात। पूरे ट्रांसफार्मर उठ रहे हैं, विलिंग की जो हालत है वो इतनी दयनीय है कि किसान मर नहीं रहा, सारे कर्म हो रहे हैं। दूसरा, यदि किसी ने कुछ बोल भी दिया किसान ने कि भैया मैं 2 दिन बाद कर दूंगा, तो उसके खिलाफ FIR करा रहे हैं। प्रद्युम्न भाई आप भी कहीं ना कहीं गांव से जुड़े हैं, गांव देहात से जुड़े हैं, मेरा आपसे निवेदन है इस मंच के माध्यम से, अब तो वैसे भी चुनाव आ गया, अब तो आप प्रलोभन दे ही रहे हैं, तो थोड़ा सा ये MPB की तरफ देख लो, बहुत बुरा हाल है, लाइट नहीं मिल रही है, पूरी स्थिति खराब है, पूरी लोगों की क्रॉप जो गर्मियों में जो क्रॉप करते थे वो पूरी सूख गई है। तो मेरा आपको ये निवेदन है, कृपा करके इस बिजली को देख लें। और दूसरा मेरा ये भी निवेदन है, मैं जब आप मेरे साथ थे तब भी आप ये उल्टे सीधे काम करते रहते थे, नालियों में कूद जाते थे, खम्भों पे चढ़ जाते थे, इसको बंद करो। ये जनता के लोगों ने तुमको प्रशासन चलाने के लिए, तुम्हें ये नहीं है कि वहां फावड़ा लेके कूद जाए, ये बिजली के खम्भों पर चढ़ना बंद करो, नाली में कूदना बंद करो, आप तो सीधे सीधे डायरेक्शन दो प्रशासन को। इनसे बड़े भैया से सीखो, ये डायरेक्शन हमेशा कांग्रेस से आरोप लगाती कि ये काम आपके नहीं है, आप निगम में देखिए नहीं, मैं आप बताइए मैं गलत कह रहा हूँ, इनका काम है। अरे भाई तुझे ये करना तो चुनाव काहे के लिए लड़ता, लग जा पर उसी काम में सर। लेकिन प्रद्युम्न जी हमेशा कहते हैं कि वो जनसेवा का कार्य करते हैं, सेवा है, तो मैं वही तो कह रहा, फिर इनकी जगह पे दूसरे व्यक्ति को चुन के आने देना चाहिए, इनको जनसेवा में लग जाना, पूरी टाइम लग जाना चाहिए, रात दिन सफाई में लग जाना चाहिए, ये मेरा कहना। मैं अभी आदरणीय अपने सम्मानित साथी सर बेहद संक्षिप्त में, आप लोगों संक्षिप्त जी जी जी, मैं कभी भी हमेशा राजनीति एक जन राजनीति जो है जनसेवा का माध्यम है, कहीं ना कहीं मैं अपने सम्मानित साथी भी बहुजन पार्टी से चुनाव जीते थे, और जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय आप कांग्रेस में शामिल हुए थे, मैं तो चुनाव लड़के जनता से गया था, इन्होंने तो पूरी पार्टी बदल दी थी। अब मैं पूरी बात आप कह लो, आपने क्या बदल दी थी, पार्टी दल बदल वो था, मैं तो जनता ने मुझे, अगर हम जिन मुद्दों पे जनता के बीच गए, जनता ने हमको पहले 22,000 से जिताया था, और जनता, अरे वही जवाब दे रहा हूं मैं वही जवाब दे रहा हूं, मुझे जनता ने 36,000 वोट से जिताया, उन्होंने नाली में कूदना मेरा पसंद किया, इसलिए मुझे चुनाव जिताया, उन्होंने मुझे इसलिए जिताया कि जनता में जब कांग्रेस के शासन में जी। लोगों की 2002 और 2003 में मैं भले ही था, पर मैंने वहां पे भी जब कैबिनेट में भी मंत्री था, मैं कैबिनेट में भी मंत्री था, तो खड़े होकर के कैबिनेट में कहा था ये ग्वालियर के साथ। सर देखिए आपने कहा है कि जनता ने दोबारा आपको चुन करके कैबिनेट बैठाया है मंत्री पद पर, ये सामने कैबिनेट में, और अभी बस साल के आखिर में जी 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 सर किया था, ये आप साक्षी है, इसलिए मेरा कहना है कि मैंने सिद्धांत सुनो, मैं काम किया है, मैं जनता का सेवक हूँ, और सेवक
को सेवा करने में आनंद आता है, इसमें मुझे गर्व है जी, मैं एक सेवक। और देखिए सर, जनता सामने वाले बहुत समझदार है, भली भांति जानती है कि क्या ड्रामा है, क्या जनसेवा है, जनता ये बहुत अच्छे से जानती है और इसका जवाब साल के आखिर में हमें चुनाव में मिल ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया लाखन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रद्युमन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी नासिर जी को कि आप मंच पर आइए। सर बने रहिए मंच पर, मोमेंटो के साथ एक स्मृति चिन्ह सप्रेम भेंट IBC 24 परिवार की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि जनता जिन प्रश्नों के जवाब